फर्जी दस्तावेज बनाकर ठगी के वारदात को अंजाम देने वाले सातीर अपराधियों को नवी मुंबई वासी पुलिस धर दबोचने में कामयाब रहे हैं, जिनसे तहकीकात की गई और जब जांच का दायरा बढ़ाया गया तब चौंकाने वाली जानकारी पुलिस के हाथ लगी। इन चार आरोपियों ने मिलकर कई बैंक को लाखों के चपत लगा चुके हैं। पुलिस की जांच में सामने आए कि कई व्यक्ति ठगों के मकड़ जाल में उलझकर न चाहते हुए भी मुसीबत मोल ले लिए। पुलिस के गिरफ्त में आए सातीर अपराधी बड़े ही सातिराने अंदाज में पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा लिया करते थे और जिनसे घर का डील करते थे उन्हें मात्र लाख दो लाख रुपया देकर सेल डीड बनाकर कुछ समय लेकर बैंक से लोन लेने की कवायद शुरू करते थे। और तो और वो जिनसे घर का सौदा करते थे उनके नाम पर बैंक में एक नया खाता भी खोल लेते थे ताकि बैंक से लोन अप्रूवल होने के बाद बैंक से रुपया सीधे उनके द्वारा खोले गए अकाउंट में पहुंच जाए। उसके बाद ठग रकम लेकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। उन्होंने फ्लैट मालिक, बैंक और दर्जनों दुकानदारों को भी ठगी का शिकार बनाया। दुकानदार से एसी, टीवी, फ्रिज लेकर भागते वक्त औने पौने दाम पर बेच दिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों की जब कुंडली खंगाली गई तब पता चला चारों पहले भी कई बार जेल की यात्रा पूरी कर चुके हैं और जेल से वापस आते ही वह अपने पुराने धंधे में लिप्त हो जाया करते थे। और इस बार भी नवी मुंबई वासी पुलिस की वक्र दृष्टि इन सातिर ठगों पर पड़ गई। यही वजह है कि इन चारों आरोपियों का जेल जाने का रास्ता सुगम हो सका। इन आरोपियों की कुंडली नवी मुंबई और मुंबई तक आधा दर्जन पुलिस थानों में देखी जा सकती है। आरोपियों का नाम है श्रीधर नरोला मीरा रोड निवासी, सत्यन यशवंत उर्फ संजय सुनील सावंत मीरा रोड निवासी, हितेश वेद बोरीवली और पवन सिन्हा उर्फ अजय सेट्टी। यह सभी एक बार फिर जेल यात्रा की तैयारी पर हैं। जो ख्वाब वह जेल की चार दीवारी के भीतर देखे थे वह पूरे नहीं हो सके। अब वह फिर जेल में ख्वाब देखेंगे, पर किसी ने कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अब उनके स्वप्न क्या होते हैं यह जेल से लौटने के बाद ही पता चलेगा। पर नवी मुंबई पुलिस एक और आरोपी की तलाश में है जो इनके साथ मिलकर काम करते थे। अभी उस गजगामिनी की तलाश में नवी मुंबई पुलिस खाक छान रही है। साथ ही पुलिस इस एंगल से भी जांच में जुटी है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाने में कहीं कोई सरकारी कर्मचारी भी तो नहीं जुटे हैं। वहीं बैंक में इन आरोपियों ने कोई सांठगांठ तो नहीं कर ली है। तफ्तीश की गति बड़ी तीव्र है और हो सकता है उसके आँच में कई और झुलस जाए। आरोपियों के कर्मकांड की विस्तार से जानकारी नवी मुंबई पुलिस के आला अधिकारी डीसीपी जोन वन के सुरेश मेंगड़े ने पत्रकारों से साझा किए। वासी पुलिस स्टेशन में 332/19 एक ऑफेंस दाखिल हुआ था, जिसमें 420, 465, 468, 471, 34 आईपीसी के तहत इस धारा में उसमें एक कुणाल शाह करके कंप्लेनर है, जिसको इन लोगों ने 52,52,00,000 रुपए को ठगा था, जिसमें इसका इन्वेस्टिगेशन वासी के पुलिस निरीक्षक इनके टीम ने किया, जिसमें उन्होंने पता करा कि इसमें एक टीम, गिरोह की टीम कार्यरत है, जो किसी आदमी का फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के ये किसी इलाके में एक कमरा किराए से लेते थे और किराए का भी रजिस्टर डॉक्यूमेंट बनाते थे। इसके बाद कहीं जो कुछ फ्लैट सेलर है उसके पास जाते थे, उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल बना के कुछ पैसे उसको दे के एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल करते थे और उसके बाद उसको कुछ दिन का अवधि वो लेते थे कि हम बाकी पैसा जुड़ा लेते तक थोड़ा वेट करिए। दरमियान के टाइम पीरियड में वो उसी सेलर का एक बनाउट अकाउंट दूसरी किसी बैंक में ओपन करते थे और जिस फाइनेंस से वो फाइनेंस लेते थे उस फाइनेंस को उसी बनाउट अकाउंट का सब एड्रेस देके सारा लोन उसी अकाउंट में डाइवर्ट करके वो पूरा विड्रॉ करते थे। ऐसे इन लोगों ने अभी तक 11-15 जगह पे लोगों को चीट किया है, ऐसा ऑफेंस दाखिल है। इनमें से चार गिरोह को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक श्रीधर नरोला करके, सत्यन पडवड़ है, हितेश वेद है और एक है पवन सिन्हा, जिसको हमने जेल से ताबे में लिया है, जो ऑलरेडी किसी ऑफेंस में जेल में है। ये चारों गिरोह मीरा रोड के इलाके में रहने वाले हैं। इन लोगों ने अभी तक कितने लोगों को इसी तरीके से चीट किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये लोग ये सारा ठगी करने के लिए इनके लिए जो इनके पास जो भांडवल चाहिए, पैसा चाहिए, वो पैसा कंज्यूमर लोन लेके, चाहे स्कूटर हो, चाहे टीवी हो,
ये लेके फिर वो लेके बेचते थे और उससे पैसा रेज करते थे और इस पैसे से ये बड़ा ठगी करते थे। इन लोगों ने अभी तक 15 ऑफेंस में लोगों को चीट किया, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। वाशी कमीशन का टीम इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन एसीबी वस्त के नेतृत्व में करता है। सर एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह के ठगों ने वारदात को अंजाम दिया है, इसमें चपत किसको लगती थी, बैंक को लग जाता था या फ्लैट ओनर को? इसे फ्लैट ओनर को तो कुछ ज़्यादा नहीं लगता था, क्योंकि फ्लैट ओनर के पास एग्रीमेंट टू सेल बनाने के बाद उसको कुछ पैसा मिलता था, बट उसको वेटिंग में रखते थे। लेकिन इसको जो फाइनेंस करने वाली एजेंसी है उसको बड़ा ठगी हो जाता था, क्योंकि उन्होंने जब वो लोन देते थे तो लोन किसी और के अकाउंट में डिस्बर्स होता था और वापस रिकवरी नहीं होता था। ये लोग कुछ दिन के लिए, कुछ एक दो महीना तीन महीना लोन का जो प्रीमियम है एक दो महीने का वो भर देते थे, तब तक बैंक को पता ही नहीं चलता था कि हमने किसी फर्जी आदमी को लोन दिलाया है। बाद में पता चलता था, तब तक कुछ पीरियड निकल चुका होता है। तो इसमें इस बीच में वो वही एग्रीमेंट टू सेल का कई कॉपी निकाल के वो उसका उसके कई बनावट सेलर्स का नाम डाल के वो ठगी करते। सर ठगी करके कभी ये विदेश नहीं भागे ना? हमने तो गिरा उनको अरेस्ट किया है, तो इधर ही है। सर ऐसा नहीं लगता कि बैंक अधिकारी का भी इसमें समावेश है या फिर? इसमें हम बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे जरूर कि ये नया नया मोडस चेकिंग का नया नया मोडस सामने आ रहा है, तो बैंकों में भी बहुत सतर्क होना चाहिए। पर्टिकुलरली नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने लोन देते समय कुछ अलग तरीका अपनाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हम जिसको लोन दे रहे हैं उसका कुछ जो हम मॉर्गेज दे रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, कोई स्थावर होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सतर्क होना बहुत जरूरी है।